फिर हम दोनों ही साथ में झुके और दोनों के सर आपस में टकरा गए। उफ, होठ से होठ नहीं, सर से सर। हेलो गाइस, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया कि भाई मोहमाया का एपिसोड 2 डालो, तो मैं आप लोगों के लिए इसका एपिसोड 2 लेकर आ गया हूँ। अगर आप लोगों ने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो जाकर मेरे चैनल पर देख लीजिए। तो लास्ट एपिसोड में ऋषि दरवाजे पे खड़े होकर देख रहा था कि उसके बाप ने उसकी माँ को बांध कर रखा हुआ है और उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। और अब आगे आपको देखने मिलेगा कि उसकी माँ अभी भी बांध कर रखी हुई है, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं है। अब बड़ा ऋषि वहाँ आता है और उसकी माँ उसे खोलने के लिए बोलती है, लेकिन ये पायल के सहारे उनके पैरों को बांध देता है। उसकी माँ बोलती है तू भी अपने बाप जैसा ही है, और तभी ये सपने से जाग जाता है। अब कहानी फिर से पीछे आ जाती है और जो भी उस छोटे ऋषि ने देखा था सब सपना था। ये सपने से उठा तो काफी घबराया हुआ था। इसकी माँ पूछती है तूने कोई बुरा सपना देखा है, बता मुझे। ये बोलता है मैंने बहुत बुरा सपना देखा, इसका मतलब अब मैं भी बुरा हूँ ना माँ? तो उसकी माँ बोलती है ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन इसे बार बार सब वही यादें आ जा रही थी। अब ये जाकर अपने मुंह पे पानी डालने लगता है और बोलता है मेरी आंखें गंदी हो गई है माँ। और मुंह धोते धोते कहानी आ जाती है वापस प्रेजेंट डे पे, जहाँ ऋषि सपने से जागने के बाद मुंह धो रहा था। अब मिठी इसके कमरे में चाय लेकर आती है और इसके हाथ से गलती से ऋषि और उसकी माँ वाली फोटो गिर के टूट जाती है, और उठाने के टाइम कांच ऋषि के हाथ पे लग जाता है और फोटो पे थोड़ा सा खून गिर जाता है। ये मिठी को बोलता है माँ इतने दिन से कैद में थी, अब आज़ाद हो गई है। अब मिठी वहाँ से चली जाती है और ये कांच को उठाकर किसी डब्बे में रख देता है। अब यहाँ मिठी ऋषि को लेकर अपने दोस्त से कुछ बातें करती है। उसके बाद यहाँ मिठी के पापा खाना खा रहे थे और वहाँ तभी ऋषि भी आ जाता है। उसने अपनी चोट पर पुराना कपड़ा बांधा हुआ था। तो मिठी के पापा बोलते हैं ये क्या चोट पर पुराना कपड़ा? तो ये गुस्से में बोलता है पुराना नहीं है। मिठी की माँ बोलती है माँ की साड़ी का है क्या? तो ये बोलता है हाँ। अब मिठी की माँ मिठी को बोलती है सीख कुछ इससे, अभी भी अपनी माँ से प्यार करता है, और एक तू और तेरे दो भाई। अब मिठी के पापा भी बोलने लगते हैं हाँ सीख कुछ इससे, क्या सीखा? तो उसे वो बातें याद आने लगती है जहाँ ऋषि की माँ बांधी हुई थी और उसका बाप बोल रहा था कि क्या सीखी, चल बता। इसे कभी अपनी माँ तो कभी मिठी की माँ उस टेबल पर दिखाई दे रही थी, और वहाँ कभी इसका बाप तो कभी मिठी का बाप। और अब ये अजीब बिहेव करने लगता है और वहाँ से बाहर भाग जाता है। अब वापस से कहानी पीछे जाती है। स्कूल में बिना प्रेयर हो जाए बिना अगर क्लास में बैठा था तो टीचर आके पूछती है, तो ये बोलता है मैं प्रेयर नहीं करना चाहता क्योंकि गॉड मुझे नहीं सुनते। और उसे तो अपनी टीचर भी बंधी हुई दिखाई देने लगती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट डे पे आ जाती है। अब ऋषि वो फोटो लेकर किसी गार्डन की एक सीट पे बैठा हुआ था और उसे अपने बाजू में अपनी माँ बैठी हुई दिखाई दे रही थी, जिससे ये बातें करने लगता है। और तभी मिठी के पापा वहाँ से गुजर रहे थे तो ये इसे देख लेते हैं और वो देखते हैं कि ये पता नहीं किससे बातें कर रहा है। और तो और ऋषि अपनी माँ के साथ सेल्फी भी खिंचाता है, और ये सब देखकर ऋषि के पापा को बहुत अजीब लग रहा था और ऋषि भी उन्हें देख लेता है। अब मिठी कॉलेज के लिए निकल गई थी और ऋषि वापस से घर आ गया था, और वो उसकी मम्मी से खाना मांगता है। और एक बिल्ली जो उनके घर के आसपास ही घूमती थी और वो अरुणा जी यानी मिठी की माँ को परेशान कर देती थी, अब वो उसे खाना देती हैं। अब खाते हुए ऋषि उनसे पूछता है कि आपके पास कुछ पुरानी साड़ियाँ हैं तो मैं उन्हें वापस से नई करके ठीक कर सकता हूँ। तो वो बोलती हैं बहुत सी साड़ियाँ हैं, और वो साड़ियाँ लेने चली जाती हैं। और वो साड़ियाँ देख ही रही थी कि वापस से उनके रूम में चला जाता है और उन्हें बताता है कि मैं आज गार्डन में बैठा हुआ था और मुझे मेरी माँ असली में दिखाई देती है और मैंने उनसे कुछ बातें भी की। अब ये इनकी साड़ियों को लेकर जाकर कभी सूंघता है तो कभी उनके ऊपर लेटता है, पता नहीं क्या करना चाहता था। अब कहानी वापस से पीछे आ जाती है, जहाँ मिक्की को लेने उसकी माँ आई थी और ऋषि वैसे ही वहाँ खड़ा हुआ था। तो मिक्की की माँ उससे बोलती है क्या तुम्हारी मम्मी नहीं आई है, तो मेरे साथ ही चलो, आखिर मैं भी तुम्हारी माँ की तरह ही हूँ। अब मिठी के पापा जब घर आ गए थे तो वो अपनी वाइफ को बता रहे थे कि वो लड़का कुछ अजीब है, वो पता नहीं किससे बातें कर रहा था। तो ये बोलती उसने मुझे सब बताया है, वो अपनी माँ से बात कर रहा था। तो लेकिन अंकल तो समझने के तैयार ही नहीं थे, तो ये बोलती तुम्हें जो समझना है समझो। और वहाँ से बाहर निकलती है कि तभी उनके सामने बिल्ली आ जाती है। तो वो उस बिल्ली को बोलती है आज तुम्हारी वजह से तुम्हें गिरने वाली थी। और ऋषि कोने में खड़ा सब कुछ सुन रहा था। अब ऋषि उस बिल्ली को मारकर फेंक देता है, मतलब वाह भाई साहब, मतलब अब कहानी अलग ही मोड़ पर जा रही है। तीसरा एपिसोड जल्दी लेकर आएंगे। तो इसी के साथ वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे और कमेंट करना ना।